हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं बात करूँगा क्लास 5th की एक्सरसाइज 2nd की। तो एक्सरसाइज 1st अपन ने कंप्लीट कर ली थी, और उसमें था अपने असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, लेस देन था, ग्रेटर देन था, प्लेस वैल्यू भी था अपना, ठीक है। और नंबरों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ये बिल्कुल इजी टॉपिक थे अपने। अभी जो नेक्स्ट है अपना सेकेंड वाला, उसमें कुछ नहीं है, ओनली एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। ये सेकेंड सेकेंड एक्सरसाइज है अपना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये सबको आते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाले तो बिल्कुल ईजी है, कुछ है ही नहीं इनमें। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये आपको करने हैं अपने नोटबुक में, ठीक है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। अपने ये सेकंड वाला जो है, इसमें भी ऐड ही करना है अपने को। फर्स्ट वाला हो गया अपना, फर्स्ट वाला आपको करना है, सेकेंड वाला ऐड द फॉलोइंग ऐड करने हैं। जैसे पहले वाले में 8725 है, और उसके साथ में ऐड करना है 907 को, ठीक है। तो 907, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी अपने ऐड करते हैं तो वंस वाली वैल्यू वंस वाली में ऐड होती है, टेंस वाली वैल्यू टेंस वाली में ऐड होती है, हंड्रेड वाली वैल्यू हंड्रेड वाली में ऐड होती है, थाउजेंड वाली हंड्रेड वाली वैल्यू में कभी ऐड नहीं हो सकती। जैसे वंस, मैंने वंस के नीचे लिखा ये वंस का था, ठीक है, इस डिजिट में, इस नंबर में ये वंस का था, और इस नंबर में ये वंस का था, मैंने वंस के नीचे लिख दिया, ठीक है। और टेंस का टेंस के नीचे लिख दिया, हंड्रेड का हंड्रेड के नीचे, ठीक है। थाउजेंड का इसमें नहीं था, तो थाउजेंड का इसमें खाली है, अपने खाली नीचे जीरो लिख सकते हो चाहो तो, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐड कैसे करना है देखना, इतना ध्यान रखना है अपने, वंस वाली वैल्यू वंस वाली के नीचे, टेंस वाली के नीचे, हंड्रेड वाली के नीचे, ठीक है। तो इसको ऐड करना है अपने को, सबको पता है ऐड करना आता है सभी को, तो आप कर सकते हो। तो ये जो भी इसका आंसर आया, आप अपनी नोट में इसको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक ध्यान रखना, इसमें सब्ट्रैक्ट वाले में ऐड तो आप कर सकते हो आराम से, सब्ट्रैक्ट में देखना आप, सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट दी फ्लोविंग, ठीक है। 840 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट दी फ्लोविंग 840 सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, फ्रॉम किसमें से, फ्रॉम 3944, है ना, 3944 में से 840 को ये पहले वाले सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो 840, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम अपने कंडीशन रहती है, वंस वाली में से माइनस होती है, टेंस वाली में से, और हैंड वाली के नीचे आती है, ठीक है। इनको ऐसे अपने सेट करना होता है। तो माइनस करना है अपने को, माइनस भी आपको आता है, ठीक है। इसमें ध्यान आपको एक ही बात का रखना, ओनली सब्ट्रैक्ट दी फ्लोविंग, है ना, सब्ट्रैक्ट ये करना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ये वाला लिया, तो सब्ट्रैक्ट 2407, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इसको करना है, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है में से, किसमें से, 4817 में से, और सब्ट्रैक्ट किसको करना है, ये पहले वाला सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, 2407। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके आराम से अपना कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना सब्ट्रैक्ट वाला भी। नेक्स्ट जो है अपना, सुनना ध्यान से, फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो सुनना ध्यान से। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ, पहले बात करते हैं 2 डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर, ठीक है, 2 डिजिट का सबसे बड़ा और छोटा नंबर। अब 2 डिजिट वाले नंबर छोटे कहाँ मिलेंगे, यानी जहाँ 2 डिजिट का नंबर ख़त्म होता है, 2 डिजिट का नंबर ख़त्म होता है 99 पे, ठीक है। इससे आगे जो नंबर आएगा, 100 आएगा, ये 3 डिजिट का हो गया। तो जस्ट इससे पहले, यानी 99 से बड़ा 2 डिजिट का कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे तो 3 डिजिट के आगे, तो ये तो अपने को लेना ही नहीं है। तो 99 का जो 2 डिजिट के नंबर ख़त्म कहाँ होते हैं, 99 पे। तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो गया अपना 99, क्योंकि इससे आगे तो है ही नहीं 2 डिजिट के, और इससे पीछे जितने भी हैं 98 97 से लेके 10 तक चलते हैं पीछे से 2 डिजिट के, तो यहाँ तक 99 से बड़ा कोई नंबर अपने को नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो 99 टू डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, और टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? टू डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ पे होता है? वो टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है। टू डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है 10 पे, ठीक है। तो 10 से छोटा कोई टू डिजिट का नंबर है ही नहीं, क्योंकि इससे पहले जो डिजिट आएगी, जो नंबर आएंगे, वो वन वन डिजिट के होंगे, और टू डिजिट का नंबर पहला यही है, तो सबसे छोटा टू डिजिट का नंबर अपना यही हो गया, ठीक है। तो ऐसे अपने को फाइंड करने हैं। अब मान लीजिए थ्री डिजिट के जो नंबर हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, थ्री डिजिट का नंबर जो है वो ख़त्म होता है 999 पे, ठीक है। इससे आगे जो डिजिट आएगी वो 1000 आएगी अपनी, ठीक है, इससे जस्ट आगे। तो ये हो गया फोर डिजिट का, और इससे जस्ट पहले ये है थ्री डिजिट का। तो इससे पहले अपने को थ्री डिजिट का कोई नंबर, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट है, ठीक है। और थ्री डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? थ्री डिजिट का सबसे छोटा नंबर है अपने, थ्री डिजिट वाले स्टार्ट कहाँ से होते हैं? स्टार्ट होते हैं अपने 100 से। कहाँ से होते हैं? 100 से, 100 से, क्योंकि इससे पहले जो डिजिट है वो 99 है, ठीक है। यानी थ्री डिजिट का नंबर स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटा यही है, क्योंकि इससे पहले तो कोई है ही नहीं, और इससे आगे जितने भी आएंगे वो सारे थ्री डिजिट के, वो सारे इससे बड़े होंगे। तो 100 थ्री डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, और थ्री डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 999, ठीक है। तो आगे जो है, फोर डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर, फोर डिजिट में जो नंबर हैं वो ख़त्म होते हैं फोर डिजिट के 999 और 9 पे, क्योंकि इसके आगे ये जो नंबर आएगा वो 10,000 आएगा अपना, ठीक है, जो कि हो गया फाइव डिजिट का। तो इससे पहले इस न तो इसके बाद में अपने न तो इससे पहले अपने को इससे बड़े मिलेंगे, इस नंबर से पहले तो बड़े मिल ही नहीं सकते, और जो बाद में इसके आते हैं वो फाइव डिजिट के हो जाते हैं। तो फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ही है, और सबसे छोटा नंबर, तो फोर डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? तो वो होते हैं अपने 1000 पे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है 999 होता है, ठीक है, वो थ्री डिजिट का है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है फोर डिजिट का? 1000 पे। तो यही है फोर डिजिट का सबसे छोटा नंबर। अब मान लीजिए आपको करना है, बिल्कुल ये इजी है वैसे तो, ठीक है। अब मान लीजिए, आपको बोल दिया जाए फाइव डिजिट का निकालिए, तो आप फाइव डिजिट का सबसे बड़ा निकालना हो, चाहे कैसा भी नंबर हो, आपको बोलते सिक्स डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालिए, तो सिक्स टाइम नाइन लिख दो आप, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। आपको बोलते सेवन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो नाइन, सेवन टाइम नाइन लिख दो आप, ठीक है, ये होगा सेवन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। आपको बोलते फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालिए, फोर डिजिट का, तो फोर टाइम नाइन लिख दो आप। बड़ा निकालना हो तो आपको जितनी भी डिजिट का बोले उतनी ही टाइम आप वो लिख दो डिजिट, नाइन लिख दो, ठीक है, तो आपका वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा उतनी ही डिजिट का, ठीक है। आपको बोलते छोटा निकालने के लिए, आपको छोटा निकालने के लिए बोल दे, तो आप वन के आगे उस, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया थ्री डिजिट का सबसे छोटा नंबर निकालिए, तो आपको थ्री डिजिट बनानी है, वन के आगे जीरो लगा दो, ठीक है, ये थ्री डिजिट हो गई। फोर डिजिट का, तो आपको फोर ही डिजिट बनानी है, वन के आगे जो बचे उतनी जीरो लगा दो आप, फोर डिजिट हो गई। फाइव डिजिट का बोल दे, तो वन लगाओ, फाइव डिजिट का बोला है तो फाइव डिजिट बनानी है आपको जीरो लगा के, 1 2 3 4, क्योंकि वन, एक तो वन हो गया, ये फाइव डिजिट हो गई, ये हो गए छोटे नंबर, ठीक है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट, यानी फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट, ठीक है, ऐड करना है उनको आपको, ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। चलिए बिल्कुल लीजिए, किसको? लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट, तो लार्जेस्ट आप बनाओ पहले, तो बताओ कौन से होते हैं लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट इज इक्वल टू, फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है, अगर आपको बड़े नंबर बनाने हैं तो आप उतने ही टाइम, जितने जितने डिजिट का बोला है उतने टाइम नाइन लगा दो, फोर डिजिट का बोला है तो फोर टाइम नाइन लगाओ, ये फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर अपना हो गया।
और आगे बोला है इसने, ऐड इसमें करना है, ये लिख दिया मैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज इक्वल टू, ये हो गया। चलो तो ये अपना ये लिखना है आपको स्टेटमेंट बना के, पहले बताओ आप कौन से नंबर हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट का, लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का और लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज इक्वल टू, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है, तो बड़ा लिखना है तो 3 टाइम 9 लिख दो आप, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है, मैंने इसके सामने लिख दिया। अब क्या स्टेटमेंट बनेगी देखना। एड 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 द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, एड द किन किन का ऐड करें अपने, ऐड कर रहे हैं द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ये स्टेटमेंट आप बनाओ। उसके सामने आप लिख दो वन, एक था अपना 9999, प्लस में अपने हैं 999, ये दोबारा लिख रहा हूँ एक बार, 9999 प्लस जो स्टेटमेंट आपने बनाई है लास्ट में, यानी एड एट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज इक्वल टू में लिखना है ये 9 9 और 9, ठीक है, इनको ऐड करके आपको लिखना है, ठीक है, इक्वल लगा के। अब इक्वल में आप पीछे अपनी रफ में इनका ऐड करके लेके आइए, 9 9 9 और 9, प्लस में आपको ऐड करना है 9 9 और 9, वंस वाले के नीचे, टेंस वाले के नीचे, हैंड वाले के नीचे, थाउजेंट वाला इसमें नहीं है तो ये खाली पड़ा है, थाउजेंट वाला ओनली अकेला है, ठीक है। तो कैसे करना है ऐड देखना ध्यान से, ऐड करना आपको आता है, आप आराम से कर सकते हो इसको, और जो भी इसका आंसर आए वो आप अपनी नोटबुक में आराम से लिख देना, ठीक है, यहाँ लिख देना आपको, ठीक है। ऐड करके बता रहा हूँ मैं, 9 और 9 18 होता है, 18 का 8 आ गया, कैरी 1 रह गया, ठीक है, 9 और 9 18 और 1 19 हो गया, ठीक है, कैरी फिर 1 रह गया, 9 और 9 18 और 1 19 हो गया, 19 और 9 और ये 9 और 1 10 हो गया, ठीक है, ये लो अपना हो गया 10 9 9 8, ठीक है, तो ये अपना हो गया। अब जो नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखना है ध्यान से, रमेश डिपॉजिटेड 2,850 रुपीज़ इन जनवरी। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना, धन जमा करवाना, ठीक है, 2,850 रुपये उसने जमा कराए इन जनवरी, जनवरी में, एंड रुपीज़ 3,650 इन फरवरी, और 3,650 उसने करवाए थे फरवरी में, ठीक है, इन हिज बैंक, अपने बैंक में, अपने बैंक अकाउंट में। फाइंड द टोटल अमाउंट ही डिपॉजिटेड इन दी इन बोथ मंथ, ठीक है ना, जो दोनों मंथ में उसने डिपॉजिट करवाए थे पैसे उनको अपने को बताना है, ठीक है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा अपने को, 2,850 उसने करवाए थे जनवरी में एंड 3,650 उसने करवाए थे फरवरी में, तो आपको कुछ नहीं करना, टोटल अमाउंट निकालना, टोटल जो अमाउंट है उसकी वो निकालनी है, टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट आप स्टेटमेंट बनाओ, टोटल टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 2,850 प्लस 3,650, ठीक है, आपको ऐड करना है, ऐड करने पे जो आंसर है आप अपनी नोटबुक में आपको लिखना है, ठीक है, टोटल अमाउंट हो गया अपना इज इक्वल टू में आपको ये लिखना है, फिर नीचे इक्वल में ये लिख देना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये अपने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हो गए अपने, और ये आप एक्सरसाइज फर्स्ट आप कंप्लीट कर लेना तो, और फिर अपनी सेकंड अपने को स्टार्ट करनी है, और आज ये अपने को फिफ्थ क्वेश्चन तक अपना कंप्लीट करके रखना है, ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।